क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है। मक्का दुनिया का सबसे पुराना शहर है जहां पर सबसे पहले मानव जीवन की शुरुआत हुई। मक्का दुनिया का अकेला शहर है जहां की मार्केट 2400 घंटे खुली रहती हैं। इस शहर में स्थित क्लॉक टावर दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है, जिस पर लगी घड़ी को 30 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। इस घड़ी को बनाने में 10 करोड़ से भी अधिक छोटे छोटे कांच के टुकड़ों का प्रयोग किया गया। मक्का में रहने वालों की संख्या 20 लाख के करीब है, लेकिन हज के दौरान इस शहर में 50 लाख से भी अधिक लोग जमा हो जाते हैं। सऊदी अरब दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक है। दुनिया में सबसे ज्यादा पर्यटक सऊदी अरब के शहर मक्का में ही आते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में दुनिया का 18% पेट्रोल और डीजल पैदा होता है। इस शहर में सोने के पहाड़ पाए जाते हैं, जो मक्का को दुनिया का सबसे प्रभावशाली शहर बना देते हैं। क्राइम रेट के मामले में सऊदी अरब का शहर मक्का सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ पर बलात्कार या छोटी मोटी छेड़छाड़ की घटनाएं भी नहीं होती। यहाँ पर सबसे ज्यादा खरीदारी और शॉपिंग औरतें ही करती हैं। शरई कानून की वजह से महिलाएं बेखौफ होकर कहीं भी आ जा सकती हैं। मक्का शहर साफ सफाई के मामले में दुनिया का नंबर वन शहर माना जाता है। मक्का शहर का कूड़ा कचरा शहर से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में दबा दिया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थल होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर जरा सी भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। मक्का शहर में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इस शहर में जमजम को लाने और ले जाने के लिए अंडरग्राउंड मशीनें लगाई गई हैं, जो खुद ब खुद काम करती हैं। यहाँ कई सालों तक बिजली नहीं जाती। मक्का में मौजूद मस्जिद अल हराम में दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम प्रयोग किया गया है, जो सिर्फ इस मस्जिद के लिए ही बनाया गया था। मक्का में मौजूद आबे जमजम का कुआं 4000 साल पुराना है। पूरे मक्का शहर में जमीन में कहीं भी पानी मौजूद नहीं है, लेकिन इस कुएं में पिछले 4000 साल से लगातार पानी निकाला जा रहा है। पत्थरों से निकल रहा ये पानी वैज्ञानिकों के लिए आज भी हैरानी का विषय है। आपके लिए ये हैरानी की बात हो सकती है कि मक्का में हजारों प्रकार का भोजन मिलता है। इस शहर में आपको दुनिया भर के मुसलमान देखने को मिल जाएंगे। मक्का शहर में मौजूद मस्जिद अल हराम दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग मानी जाती है। इसको बनाने में 100 बिलियन डॉलर का खर्च आया था, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुर्गे और बकरे मक्का शहर में ही काटे जाते हैं। इस शहर में भारत के 4 लाख से भी अधिक मुसलमान रहते हैं। सऊदी अरब का शहर मक्का दुनिया का पहला शहर है जहां हर घर में एसी का प्रयोग होता है। यहां तक कि लेटरिन, बाथरूम और छोटी छोटी दुकानों में भी लोग एसी का प्रयोग करते हैं। मक्का शहर में 6 से 12 लाइन तक की रोडें मौजूद हैं। इन रोडों पर 400 से 500 की स्पीड में गाड़ियां दौड़ती हैं। मक्का में BMW और ऑडी जैसी गाड़ियां टैक्सी में इस्तेमाल की जाती हैं। इस शहर में कोई भी खेती नहीं होती, फिर भी दुनिया भर की चीजें यहां पर बिकती हैं। मक्का में 200 तरह की खजूरों की बिक्री की जाती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में एक भी तालाब या नहर नहीं है, फिर भी इस शहर में आज तक पानी की कोई कमी नहीं हुई। इस शहर में आपको एक भी नाली दिखाई नहीं देगी। मक्का शहर में आपको सड़कों पर बिजली के तार या किसी प्रकार की कोई भी चीज लटकती नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अंडरग्राउंड है। दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा सऊदी अरब के शहर मक्का में बिकता है। यहाँ की सरकार हर पढ़ने वाले बच्चे को हर महीने 600 से 800 रियाल वजीफा देती है। अगर कोई छात्र पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहे तो इसका खर्च सऊदी सरकार उठाती है। सऊदी अरब के शहर मक्का में दुनिया का हर सामान बाहरी देशों से मंगाया जाता है, लेकिन फिर भी इस शहर में महंगाई का नामोनिशान नहीं है। यहाँ के अधिकांश लोग आईफोन का प्रयोग करते हैं। सऊदी अरब के हर घर में वाईफाई का प्रयोग होता है। इस शहर में एक भी पेड़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुली हवा में सुकून की सांस ले सकते हैं। मुसलमानों के लिए मक्का सिर्फ एक शहर ही नहीं, दुनिया की सबसे मुकद्दस सरजमी है। ये वही शहर है जहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस शहर की हिफाजत के लिए मुसलमान अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।